यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर कौशाम्बी से मिल रही है, जहां पर महिला के साथ थाने में मारपीट का आरोप लगा। महिला के साथ थाने में मारपीट की गई है, थाने में मारपीट की गई है महिला के साथ, इस तरह के आरोप लगे हैं। और बच्चों के विवाह के बाद पुलिस पहुंचे थे और आरोप लग रहे हैं कि महिला के साथ मारपीट हुई है थाने में। बड़ी खबर, बच्चों के विवाद के बाद पुलिस पहुंचे थे, पुलिस ने मौके से महिलाओं को हिरासत में लिया, थाने में लाकर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया पुलिस पर, और मारपीट का विरोध करने पर चालान भी किया गया। ये बड़ी खबर आपको कौशाम्बी से दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो और एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें दो उपनिरीक्षकों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो सत्यता होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अभिसार हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। अभिसार, पूरा का पूरा मामला बताइए कि मामला शुरू कहां से हुआ था, क्या विवाद हुआ था, उसके बाद जो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में क्या क्या महिलाएं कह रहे हैं और इन आरोपों पर क्या जांच होगी। ये 29 सितंबर की घटना है। पड़ोस के ही बच्चों के साथ कुछ बच्चे खेल रहे थे, और खेलने के दौरान जैसे कि बच्चों के बीच मामूली सब विवाद होता है, लेकिन उस विवाद को पड़ोसी ने तूल दे दिया और वो जाके वहाँ नारा चौकी है वहाँ पे शिकायत किया था। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दो महिला, देवरानी और जेठानी, दो लोगों को चौकी लेके आई। चौकी में न बैठा के उन लोगों को थाना ले गई, और थाना में जिस हिसाब की महिलाओं का आरोप है कि रात में सब इंस्पेक्टर आए, दारोगा आए और एक कांस्टेबल आए, उन लोगों ने आके उनके साथ मारपीट की, बदसलूकी की, और इतना ही नहीं उन्हें निर्वस्त भी कर दिया। ये आरोप है इन लोगों का। और निर्वस्त करने के बाद जैसे कि प्राइवेट पार्ट में भी उनके साथ मारपीट की गई है, ऐसी घटनाएं आ रही है। उसके बाद इतने ये सब जो वहां पर पुलिस कर्मी थे, ये मेल यानी पुरुष पुलिस कर्मियों ने सब किया है? पुलिस कर्मियों ने, जी हाँ बिल्कुल पुलिस। महिलाएं, महिला सिपाही या महिला दारोगा ऐसा कोई नहीं थे, पुरुष पुलिस कर्मी थे। इन लोगों ने ऐसी बदसलूकी की इन लोगों के साथ, और इतने से ही पेट उन लोगों का नहीं भरा, 193 चालान भी किया जब महिला अपने घर गई। अभिसार, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर है और आप सवाल जरूर पूछते रहे उन अधिकारियों के साथ, और इंतजार कार्रवाई का। एबीपी गंगा भी इस मामले में सवाल पूछ रहा है। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद कि महिलाओं के साथ मारपीट, मामले को सुलझाने के लिए कायदे से यहां पर महिला पुलिसकर्मियों को भी आना चाहिए था, लेकिन महिला पुलिसकर्मी तो नहीं थे, पुरुष पुलिसकर्मी थे, और उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट किए, यहां तक कि अभद्रता के भी आरोप लग रहे हैं पुलिस पर।